यदि आपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम का अफिलिएट मार्केटिंग किया है, यानी आपने इकोसिस्टम का अफिलिएट लिंक शेयर किया है और आपके द्वारा शेयर किए गए उस लिंक से कुछ यूजर इकोसिस्टम में जुड़े हैं, तो आपके इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में टोटल यूजर और अफिलिएट में कुछ संख्या देखने को मिल सकता है। यदि आपके इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में टोटल यूजर और अफिलिएट की संख्या दोनों बराबर है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में यूजर की संख्या ज़्यादा है और अफिलिएट की संख्या कम है, तो आप अपने उन यूजर को इकोसिस्टम अफिलिएट मार्केटिंग का डिजिटल डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यूजर में संख्या ज़्यादा क्यों है और अफिलिएट में संख्या कम क्यों है। तो जब भी कोई नया यूजर आपके द्वारा शेयर किए गए लिंक पर क्लिक करके इकोसिस्टम में अपना अकाउंट बनाता है, तो ऐसे यूजर की संख्या आपके इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में यूजर वाले ऑप्शन में जुड़ जाता है। और जो लोग आपके द्वारा शेयर किए गए लिंक पर इकोसिस्टम में अपना अकाउंट बनाते हैं और इकोसिस्टम अफिलिएट मार्केटिंग का डिजिटल डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करते हैं, तो ऐसे यूजर की संख्या अफिलिएट वाले ऑप्शन में जुड़ जाता है। तो जो लोग आपके द्वारा शेयर किए गए लिंक से इकोसिस्टम में सिर्फ अपना अकाउंट बनाते हैं और वे डिजिटल सिग्नेचर पर साइन नहीं करते हैं, तो वे सिर्फ यूजर वाले ऑप्शन में ही जुड़ते हैं और अफिलिएट वाले ऑप्शन में नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने इकोसिस्टम के डिजिटल एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है। और जो लोग आपके द्वारा शेयर किए गए लिंक पर क्लिक करके इकोसिस्टम में अकाउंट भी बना लेते हैं और वे इकोसिस्टम के डिजिटल एग्रीमेंट पर सिग्नेचर भी करते हैं, तो वे आपके यूजर में भी जुड़ जाते हैं और आपके अफिलिएट में भी जुड़ जाते हैं। तो ऐसे यूजर को जिन्होंने आपके द्वारा शेयर किए गए लिंक पर क्लिक करके इकोसिस्टम में अपना अकाउंट बना लिया है, लेकिन इकोसिस्टम अफिलिएट मार्केटिंग का डिजिटल एग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं किया है, उन्हें आप इकोसिस्टम अफिलिएट मार्केटिंग के डिजिटल एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने के लिए बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास उन यूजर का डिटेल होना ज़रूरी है जिन्होंने इकोसिस्टम अफिलिएट मार्केटिंग का डिजिटल एग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं किया है। तो यहाँ पर टोटल यूजर में कुल 24 लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर अफिलिएट में 18 लोग जुड़े हुए हैं, यानी 6 लोगों ने ऑन पैसिव इकोसिस्टम अफिलिएट मार्केटिंग के डिजिटल एग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं किया है। तो हमें उन 6 लोगों की पहचान करने के लिए अफिलिएट में जो एरो का निशान है उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अफिलिएट में जुड़े हुए सभी यूजर यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इन सभी लोगों का डिटेल यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट एज एक्सेल डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही उन यूजर का डॉक्यूमेंट एक्सेल फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा हम इसे आगे बढ़ा लेंगे, जिससे उन यूजर का पूरा डिटेल दिखाई देने लगेगा। उसके बाद हमें बैक जाना है। अब हमें टोटल यूजर में इस एरो पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, टोटल यूजर का डिटेल हमें दिखाई देने लगेगा। हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है तो सभी टोटल यूजर दिखाई देने लगेगा। वहीं टोटल यूजर में सभी यूजर का पूरा डिटेल देखने के लिए हमें एक्सपोर्ट एज एक्सेल डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। एक्सेल फाइल डाउनलोड होने लगेगा, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद इसे भी हमें थोड़ा आगे बढ़ा लेना है, जिससे यूजर का पूरा डिटेल दिखाई देने लगेगा। वहीं यदि आप किसी यूजर का पूरा डिटेल इकोसिस्टम में ही देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उस यूजर के नाम पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम उस नेम पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने उस यूजर का पूरा डिटेल दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर उस यूजर का ओमेल आईडी दिखाई देगा, यहाँ पर उस यूजर का अल्टरनेट ईमेल आईडी दिखाई देगा, और यदि उसने अपना अफिलिएट लिंक किसी को शेयर किया है, तो उसका डिटेल यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। वहीं उस यूजर का कंट्री यहाँ पर दिखाई देगा, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर दिखाई देगा, और यदि उसने फ़ोन नंबर ऐड किया होगा तो वह यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह से आप अपने टोटल यूजर का डिटेल देख सकते हैं। अब हमें यह चेक करना है कि किस यूजर ने इकोसिस्टम अफिलिएट मार्केटिंग के डिजिटल एग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं किया है। तो ऐसे यूजर को हम यूजर और अफिलिएट दोनों में चेक करेंगे। जिन यूजर का नाम सिर्फ यूजर वाले ऑप्शन में है, अफिलिएट वाले ऑप्शन में नहीं है, उन यूजर को हम मेल करके इकोसिस्टम अफिलिएट मार्केटिंग के डिजिटल एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने के लिए बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने उन यूजर को इकोसिस्टम अफिलिएट मार्केटिंग के डिजिटल एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने के लिए बोल सकते हैं
इसके बावजूद भी इस वीडियो को लेकर यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।